हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 7 सोशल साइंस। द चैप्टर इज द अर्थ्स इंटीरियर एंड इट्स मटेरियल्स, है ना। नाउ टुडेज टॉपिक इज मटेरियल्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। ओके, मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी का जो भू प्रॉपर्टी है उसको बनने में कौन कौन सा ऐसा मटेरियल्स है जो मतलब लगा है, ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल्स से अर्थ क्रस्ट बना है, ठीक है। रॉक्स फॉर्म द सॉलिड मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। हम लोग जानते हैं कि जो रॉक्स है वो एक बहुत ही सॉलिड मास है अर्थ क्रस्ट के लिए। इट इज़ ए वेरियस मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक ना, ये वेरियस मिक्सचर्स ऑफ मटेरियल्स से है। द रॉक्स फॉर्मिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। जिस वेरियस मिक्सचर्स ऑफ मटेरियल्स से अर्थ क्रस्ट तैयार हो रहा है या फिर रॉक फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग मिनरल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन इट इज़ क्लासिफाइड इन टू 3 कैटेगरीज। अगर रॉक्स का फॉर्मेशन की तरफ से हम लोग देखें तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, रॉक फॉर्मेशन के हिसाब से। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। इसको एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला जो है इग्नियस रॉक्स मीन्स आग्नेय चट्टाने, ठीक है। आग्नेय चट्टान हम किसको कहते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि द वर्ड इग्नियस, है ना, ये जो वर्ड इग्नियस है कहाँ से लिया गया है, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस, है ना। लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है जिसका मतलब होता है आग या फायर, ठीक है। मीन्स आग्नेय चट्टान जो है उसको हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। These rocks are hardest and formed by cooling and solidification of molten rocks materials coming out from the earth's interior, ठीक है। ये जो rocks है, ठीक है, igneous rock जो है वो hardest and formed by cooling and solidification, मतलब जो earth के अंदर से, ठीक है, कुछ भी तरल पदार्थ जब बाहर निकलता है, ठीक है, earth crust में जब अर्थ के इंटीरियर से कुछ भी तरल पदार्थ निकलता है और बाहर आने के बाद वो जम जाता है तो वो आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, है ना। अगर हम आग्नेय चट्टान को देखें तो ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी देखा जाता है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन कीप फॉर्मिंग न्यू रॉक्स, है ना। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इग्नियस रॉक जो है वो न्यू फॉर्म में हम लोग देखते हैं। इसको दो तरह से हम लोग देखते हैं, एक है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरा है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मीन्स वो वैसा तरल पदार्थ जो अर्थ के इंटीरियर से निकलते निकलते वो मतलब किसी कारणवश वो नहीं निकल पाता है और अर्थ क्रस्ट में पहुंचने से पहले वो जम जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गया आपका जो मतलब तरल पदार्थ, है ना, मैग्मा लावा जैसा वोल्केनिक इरप्शन के ड्यूरेशन में जब भी कोई तरल पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हुए वो बाहर आके जमता है तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका फीचर्स, इग्नियस रॉक्स का क्या क्या फीचर है देख लेते हैं। दिस रॉक्स डू नॉट हैव लेयर्स। जो इग्नियस रॉक्स का है कोई भी लेयर नहीं होता है, ठीक ना। दे कंटेन क्रिस्टल्स ऑफ वेरिंग साइज, ये अपने साथ बहुत तरह का क्रिस्टल्स और बहुत ही आकार का मतलब जमा करता है। दे डू नॉट कंटेन फॉसिल फ्यूल्स, इसके अंदर कोई भी फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाया जाता है। इट अकाउंट्स 90% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ क्रस्ट में हम लोग देखें इग्नियस रॉक्स का कितना परसेंट हिस्सेदारी है, 90%, है ना, 90% हिस्सेदारी अर्थ क्रस्ट में कौन सा रॉक्स का है, इग्नियस रॉक्स का है। जो सेकेंड फॉर्म ऑफ रॉक्स है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स अवसादी चट्टान, ठीक है।
द वर्ड सेडिमेंट्री टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, है ना। ये जो सेडिमेंट्री वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ही लिया गया, जैसे कि हम लोग देखे इग्नियस रॉक भी लैटिन वर्ड से लिया गया था, सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड से लिया गया है सेडिमेंटम, जिसका मतलब क्या होता है सेटल डाउन, मतलब जम जाना, ठीक है। रॉक्स व्हेन एक्सपोज टू चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड फोर्सेस ऑफ नेचर, जो औषधीय चट्टान है वो कब बनता है, जब मतलब कोई चट्टान है ना किसी एटमॉस्फेरिक चेंजिंग के वजह से या फिर नेचर के फोर्सेस जैसे कि विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, इसके वजह से अगर अपना रूप बदलता है, ठीक है, विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर ब्रेक एंड डिके इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जिसके वजह से चट्टाने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको हम लोग अवसाद के नाम से जानते हैं, और यही अवसाद आगे चलकर औषधीय चट्टानों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, क्ले, लाइमस्टोन, ये सारा जो है इसका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। अगर इसका फीचर्स का बात करें तो इसका फीचर्स क्या क्या है, दे आर लेयर्ड, है ना, इसको हमेशा आप देखिएगा कि ये लेयर रूप में पाया जाता है, मतलब एक के ऊपर एक परत इसका देखा जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है, परतदार चट्टाने, ठीक है, औषधीय चट्टानों को हम लोग परतदार चट्टान के रूप नाम से भी जानते हैं। सेकंड जो फीचर है, दे डू नॉट कंटेन क्रिस्टल्स, जैसा कि इग्नियस रॉक में हम लोग देखें कि क्रिस्टल्स मौजूद रहता है और डिफरेंट साइज का रहता है, लेकिन इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है कि इसमें क्रिस्टल्स मौजूद नहीं रहता है। जो थर्ड फीचर्स है इसका, इसके अंतर्गत फॉसिल फ्यूल्स पाया जाता है, ठीक है, इस रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स देखा जाता है। जो फोर्थ फीचर है, रिच इन कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स पाए जाने के कारण ये जो रॉक है वो किस रूप में धनी है, कोल और पेट्रोलियम के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट जो रॉक्स का टाइप्स है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स कायंतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक वर्ड जो है लिया गया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेटामॉर्फोस, है ना, मेटामॉर्फोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब अपना रूप बदलना, इसलिए इसको कायंतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द अल्टरेशन ऑफ अदर रॉक्स, ये रॉक कब बनता है, ये दूसरे चट्टानों को, है ना, किसी कारणवश मतलब अपना फॉर्म चेंज करने के दौरान ही बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हीट एंड प्रेशर के वजह से, ठीक है, हीट एंड प्रेशर या कह सकते हो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या फिर नेचर के द्वारा जो भी इफेक्ट होता है किसी भी रॉक्स में, उसके कारण जो भी रॉक्स मतलब अपना रूप जब बदलता है तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, क्ले, जो क्ले है वो मेटामॉर्फोसिस इनटू स्लेट, ठीक है, क्ले जो है वो स्लेट में बदलता है, लाइमस्टोन को हम लोग देखते हैं मार्बल के रूप में बदलते हुए, कोल को ग्रेफाइट के रूप में, ठीक है, सैंडस्टोन को क्वार्ट्जाइट के रूप में बदलते हुए देखते हैं, ठीक है। तो और भी इस तरह का बहुत सारा मिनरल्स है जो मतलब अपना रूप बदलता है। इसका भी फीचर्स है, विशेषताएं क्या क्या है, इट इज क्वाइट हार्ड इन नेचर, ये नेचुरली बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, फॉसिल्स आर नॉट फाउंड, इसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाया जाता है, वैल्यूएबल मिनरल्स इसमें देखा जाता है, ठीक है, वैल्यूएबल मिनरल्स इसमें देखा जाता है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रॉक साइकिल, ठीक है, रॉक साइकिल मीन्स चट्टान चक्र। क्या है ये रॉक साइकिल, जैसे हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में कि हाइड्रोसाइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, ये सारा चीज़ जो है एक है, हाइड्रोसाइकिल और वाटर साइकिल, उसी तरह से रॉक साइकिल भी एक है, मतलब एक चट्टान का क्रम।
ठीक है, देखते हैं रॉक साइकिल. रॉक्स आर कंटिन्यूअली बीइंग फॉर्मड, डिस्ट्रॉयड एंड रिफॉर्मड ड्यू टू चेंजिंग वेदर कंडीशंस एंड फोर्सेस ऑफ नेचर. जैसा कि हम लोग देखें कि मेटामॉर्फिक रॉक है ना, वो कब अपना रूप चेंज करता है, जब मतलब किसी क्लाइमेटिक कंडीशंस या नेचर के फोर्सेस के द्वारा वो अपना रूप बदलता है. उसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स भी है जो मतलब इग्नियस से फिर चेंज होता है. ठीक है, तो वही चीज़ है रॉक साइकिल. रॉक साइकिल कब होता है, जब रॉक्स कोई चट्टान कंटिन्यूअली मतलब तैयार होने का प्रोसेस होता है, डिस्ट्रॉयड है ना, हमेशा मतलब कंटिन्यू देखिएगा कि बनता है, नष्ट होता है और फिर दोबारा वो बन जाता है. कब, कैसे, ड्यू टू चेंजिंग वेदर कंडीशंस है ना, चेंजिंग वेदर कंडीशंस एंड फोर्सेस ऑफ नेचर के द्वारा. ठीक है, तो उसी को हम लोग रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं. ठीक है, रॉक साइकिल अगर हम डायग्राम से समझें, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, इग्नियस से हम लोग सेडिमेंट्री देखें. ठीक है, इग्नियस रॉक्स से टूट फूट के दौरान सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, फिर सेडिमेंट से अगर देखें तो इग्नियस रॉक भी बन जाता है. ठीक है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बन जाता है, मेटामॉर्फिक से इग्नियस बन जाता है और इग्नियस से मेटामॉर्फिक बन जाता है. मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है हम कह सकते हैं. ठीक है, तो रॉक साइकिल यही था और ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हुआ. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.